अब मैं ऐसी कई बातें बता सकता हूँ, इस मॉडर्न लाइफ के नाम पर हम ऐसी अनगिनत चीजें कर रहे हैं और जीवन को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ किशोर ही नहीं, हर इंसान इंजन बन गया है। बात सिर्फ किसी एक उम्र की नहीं है, शायद कुछ खास लोगों पर रिसर्च हो रही है, पर बच्चों को डायपर की समस्याएं हैं, किशोरों में हार्मोनल समस्याएं हैं, मध्यम उम्र के लोगों पर संकट हैं, बुढ़ापा दवाइयों के हवाले है। जब आप जवान थे तब आपने किसी गली से ड्रग्स लिए, अब बुढ़ापे में आप काउंटर से ले रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस बात कानूनी हो गई है, सब कुछ कानूनी हो रहा है। हेलो, बहुत सी चीजें जो कानूनी नहीं थीं अब कानूनी हो रही हैं, है ना? तो ये किसी की परेशानी का मजाक बनाने की बात नहीं है, पर आपको यह समझना होगा कि हो क्या रहा है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मिनटों में उन सभी की बात कर पाऊंगा, पर आपको बस एक नजरिया देता हूं। देखिए, बाहरी दुनिया से आप पांच स्रोतों से ग्रहण करते हैं, पांच द्वार हैं, आपकी आंखें, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी सूंघने, चखने और स्पर्श की शक्ति। जीवन का सबसे सरल पहलू यह है, मूल रूप से आपकी आंखें 12 घंटे उजाला 12 घंटे अंधेरे के लिए बनाई गई हैं। स्टार लाइट या चांदनी ठीक है। अब जीवन में जितने पल भी आप जगे हैं, रोशनी आ रही है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है। और आवाजें, जरा कल्पना कीजिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां आज भी ऐसा ही है। अगर आप आश्रम में रहते हैं तो सब कुछ शांत होता है। अभी 24 घंटे कुछ चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, अमेरिका में हर जगह हमेशा कोई मशीन गूंजती रहती है। ये ऐसा है, अगर मैं यहां 6 या 8 हफ्ते की यात्रा करता हूं तो ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ चल रहा है। किसी भी इमारत में बैठिए, कुछ न कुछ चल रहा होगा। भारत में आश्रम वापस जाने पर अगर मैं बैठ जाऊं तो बस स्थिरता होती है, बिल्कुल स्थिरता। आपके सिस्टम पर उसका जबरदस्त असर होता है, तो हर समय ध्वनि और गूंज मौजूद है। जैसे कि ये काफी नहीं है, लोग हेडफोन पहने हुए हैं और हर समय डांग 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 डांग, वे कॉल इट म्यूजिक, बट वो इसे संगीत कहते हैं। पर संगीतकार संगीत बजाने की जहमत नहीं उठाते, आपके कानों में बस मशीनें हल्ला करती रहती हैं हर समय। ठीक है, शायद ये आपके आसपास के लोगों को सुनने से बेहतर हो। शायद आपको लगता है कि ये आपके आसपास के ऑटोमोबाइल शोर से बेहतर है, बट नॉनस्टॉप। पर ध्वनि का लगातार असर और रोशनी का नॉनस्टॉप असर और कई दूसरी चीजों का लगातार असर, ये सभी पर असर करता है। और किशोरावस्था यानी कि वो वाकई जल्दी से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहे हैं, ये वो समय है जब एक बहुत ही स्थिर माहौल होना चाहिए।
ज्यादातर लोगों के पास इतना स्थिर माहौल नहीं होता। परिवार के हालात भी स्थिर नहीं होते, माता पिता भी चिल्लाते रहते हैं, हेलो, हाँ ऐसा है, क्योंकि हर फिल्म, हर टेलीविजन शो, घर में बस यही चीजें देखी जा रही हैं। अगर आप गुस्से में हैं, तो आपको चिल्लाना होगा, आपको दरवाजा पीटना होगा, और कोई इंसान न मिले तो कम से कम किसी चीज को पंच करो और तोड़ दो। ये चीज आम होती जा रही है। सभी सोचने लगे हैं कि अपनी भावनाएं संभालने का यही तरीका है। हेलो, तो उदाहरण स्थापित हो रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि भावनाएं ऐसे ही संभाली जाती हैं। नहीं, अगर आपकी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो चुपचाप रहें, आंखें बंद करके बस एक जगह बैठ जाएं। हाँ, ये है अपनी भावनाओं को संभालने का सही तरीका। जब भावना कंट्रोल से बाहर होने लगे, तो बस अपना मुंह बंद करें, आंखें बंद करें और एक जगह बैठ जाएं, बाकी दुनिया को ना बिगाड़ें। हेलो, कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए। जब आप कंट्रोल से बाहर हों, तो दुनिया को मत बिगाड़िए। अपनी बकवास अपने पास रखें, इतना तो आपको करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कोई टेलीविजन और सिनेमा नहीं होता, तो आपने अपने जीवन में कितनी बार किसी को गोली मारते देखा होता। पर अब आप सिनेमा और टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपने कितनी शूटिंग्स देखी हैं? सैकड़ों, हजारों शायद, है ना। आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, 5 साल की उम्र से वे गोलियां गोलियां और गोलियां ही चलाना सीख रहे हैं। शायद सिर्फ स्क्रीन पर कभी उन्हें स्क्रीन छोड़कर बाहर असली काम भी तो करने हैं, आया ना। अब मैं ऐसी कई बातें बता सकता हूं। इस मॉडर्न लाइफ के नाम पर हम ऐसी अनगिनत चीजें कर रहे हैं, और जीवन को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ किशोर ही नहीं, हर इंसान इंजन बन गया है, क्योंकि किशोर अभी भी आपके साथ हैं। इसीलिए आप शिकायत कर रहे हैं, माता पिता शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी भी उनके साथ हैं। जब वे बाहर जाते हैं, तो उनके पति पत्नी शिकायत करते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। हेलो, यही गधे बाहर जाकर शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। हेलो, आया ना। शायद उम्र के साथ अगर वे थोड़े कम ऊर्जावान हो जाते हैं, या कम से कम शाम में शराब पीते हैं और लंबी नींद में चले जाते हैं, या तो वे कहीं बाहर पैसे कमाते हैं और जब वे घर आते हैं लंबी नींद में चले जाते हैं, ऐसे में सभी सुरक्षित हैं। पर यह जीवन चलाने का तरीका नहीं है। अगर आप जबरदस्त तरह से जीवंत हैं, तो भी आपको आसपास के किसी भी प्राणी के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, यही जीवन है। अगर आपके खतरा ना बनने का इकलौता तरीका नशा है, तो ये एक अच्छा जीवन नहीं है। हेलो, अब ये जीवन का एक ऐसा चरण है जब बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। जो भी असर धरती के हर जीव पर पड़ते हैं, सिर्फ मानव जीवन पर नहीं, धरती के हर प्राणी पर, शायद किशोरों पर वे असर थोड़े ज्यादा पड़ते हैं। या शायद आप जितने ही पढ़ते हैं। बात सिर्फ यही है कि आपको लगा वे आपके छोटे से प्यारे बच्चे हैं, पर अब वे जेनेटिक गुण दिखा रहे हैं। अगर आपका एक छोटा वर्जन ऐसा है, तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। एक सरल सी बात यह है कि अगर हर इंसान दिन में सिर्फ कुछ मिनट स्थिर बैठना जानता हो, कोई महान आध्यात्मिक साधना नहीं, बस बैठे रहना, अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया कई मायनों में बदल जाएगी। पर फिर भी हमें बाहर के असर को संभालना होगा। ये असर बहुत ज्यादा है,
आप अपने घरों में ऐसा कर सकते हैं। जहां मैं रहता हूं, ज्यादातर समय मैं कभी लाइट नहीं जलाता। अगर मुझे कुछ पढ़ना या कुछ और करना हो तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें एडजस्ट कर लेंगी और आप आसानी से काम कर लेंगे, सब ढंग से होगा। या अगर आपके लिए जरूरी हो तो एक दो दियों से थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से चल फिर सकेंगे। हमेशा तेज रोशनी मौजूद होना आपके सिस्टम को परेशान करती है, क्योंकि इनपुट बहुत ज्यादा है। अपनी आंखों और कानों पर पड़ते असर को कम कीजिए। पहले अगर आपको रंग देखने होते थे तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, कहीं बैठकर बस इंतजार, फिर एक शानदार रंग आया, पर आप अपने फोन देख रहे थे तो वो चला गया। But today you turn on the television, पर आज आप टीवी चलाते हैं तो ब्रह्मांड का हर रंग आपकी ओर फेंका जा रहा है लगातार। इनका बहुत गहरा असर होता है, रोशनी, आवाज और रंग। अगर आप अपने और अपने बच्चे के जीवन में बाहरी असर को कम कर देते हैं, किसी न किसी तरह से जो भी जरूरी है वो करें, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा संतुलित तरीके से बड़े होंगे। ये एक सरल सी चीज है जो आप कर सकते हैं। किशोरों के जीवन में आपको लाना होगा थोड़ा सा हठ योग, जिससे ज्यादातर किशोर अपने जीवन के इस चरण को आसानी से पार कर लेंगे।